बाप भाई सोनिया जी, बाप मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। भाई दूज के दिन मैं तुम्हारे घर पे जरूर आता हूँ, और जब भी आता हूँ तो आपके मुंह से एक भजन सुने बगैर नहीं जाता हूँ। बहुत ही मजा आता है, बहुत ही प्यारा भजन गाती हो आप। मोदी जी मैं तो भजन गाती हूँ, लेकिन आप हारमोनियम भी तो बहुत अच्छा बजाते हो। आपके हारमोनियम की धुन पे ही तो मैं अच्छा भजन गा पाती हूँ। लेकिन मोदी जी इस भाई दूज के मौके पर आप मेरे लिए कोई अच्छा गिफ्ट नहीं लाए इस बार। पिछली बार तो बहुत बड़ा गिफ्ट लाए थे आप। बहन सोनिया जी, इस महीने कोई ज्यादा कमाई नहीं हो पाई। अगली बार मैं जब भी आऊंगा तो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेता जरूर चला आऊंगा। फिलहाल आप एक अच्छा सा भजन गा दो। मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ अच्छी तरीके से, और राहुल ढोलक बजा रहा है। राहुल ढोलक को सही से बजाओ। चलो मोदी जी कोई बात नहीं है, आप भाई दूज के दिन आ गए, इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। भाई दूज पर एक बहन के लिए भाई से बढ़ के खुशी और कोई नहीं होती है। चलो मैं भजन सुनाना शुरू करती हूँ। लेकिन राहुल ढोलक पे तुम्हारे हाथ हल्के क्यों पड़ रहे हैं? जोर जोर से ढोलक को बजाओ, तेजी से बजाओ। मम्मी जी एक बात बताओ, इससे तेज ज्यादा ढोलक क्या बजेगा? बहुत तेज ढोलक बजा रहा हूँ मैं, ये देखो। मुझे तो ढोलक बजाने में बहुत ही मजा आ रहा है। वैसे तो मोदी जी हारमोनियम बहुत अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन मोदी जी एक सुर नीचे है तुम्हारा, सुर को थोड़ा ऊंचा करो। राहुल मेरा हारमोनियम का सुर तो ठीक है, तुम अपने ढोलक का आवाज थोड़ा बढ़ाओ, यानी कि ढोलक पे हाथ तेजी से मारो, समझे? ढोलक तुम सही से नहीं बजा रहे हो। मोदी जी बेफालतू की तो बात करो मत, आप सही से हारमोनियम नहीं बजा पा रहे हो, मैं तो ढोलक सही बजा रहा हूँ। मम्मी जी आप ही बताओ, मैं ढोलक सही से बजा रहा हूँ कि नहीं बजा रहा हूँ? अरे राहुल भड़क क्यों रहे हो? मोदी जी आप भी चुप हो जाओ, दोनों लोग सही तरीके से ढोलक और हारमोनियम बजा रहे हो, आपस में नाराज क्यों हो रहे हो एक दूसरे के ऊपर? नहीं मम्मी जी आप झूठ बोल रही हो, मोदी जी हारमोनियम सही तरीके से बजा ही नहीं रहे, इसीलिए तो आप भजन नहीं गा पा रही हो। राहुल बेफालतू की बात मत करो, ढोलक तुम सही से नहीं बजा रहे हो। ढोलक मुझे तो, मैं एक हाथ से ढोलक बजाऊंगा, एक हाथ से हारमोनियम बजाऊंगा। तुम जाओ आराम से भजन सुनो सोनिया जी का। लगता है तुम दोनों इसी तरीके से अगर झगड़ते रहोगे तो भाई दूज के दिन भजन में कहाँ कहाँ पाऊंगी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे राहुल मेरा पैसा चाहिए, मैं किसी हाल में भी नहीं मानूंगा, मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए। आज मेरा पैसा निकालो, नहीं तो ये मोटरसाइकिल यहीं छोड़ दो। अरे पूरे 6 साल हो गए तुम्हें पैसे लिए हुए, जो ये मोटरसाइकिल तुम चला रहे हो इसी को खरीदने के लिए तुमने मुझसे पैसे लिए थे। आज तो मैं पैसे नहीं लूंगा, यही मोटरसाइकिल ही रखूंगा। अरे मोदी जी कोई उधार के पैसे इतनी सख्ती से मांगता है जितनी सख्ती से तुम अपने पैसे मांग रहे हो? फिलहाल तो मेरे पास पैसे है नहीं, अगर तुम्हारा मोटरसाइकिल लेने से पैसा पूरा हो रहा है तो रख लो मोटरसाइकिल। मैंने तुमसे 50,000 रुपए उधार लिए थे, ये मोटरसाइकिल मुश्किल से 4-5 हजार की बिकेगी, ये तो बिल्कुल खटारा हो गई 6 सालों में। रख लो तुम ये मोटरसाइकिल ही रख लो। अरे राहुल ये तो मैं भूल ही गया, ये मोटरसाइकिल तो किसी कीमत की नहीं है। ऐसा करो मुझे पैसा ला के दो, यहीं पे पैसा किसी से भी मंगवाओ, अखिलेश को फोन करके मंगवाओ। मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा, फोन करके बुलाओ अखिलेश को। अरे अखिलेश तो आ गया, और अखिलेश अपने साथ इंस्पेक्टर योगी जी और सब इंस्पेक्टर ओवैसी जी को लाया है। लाऊंगा नहीं मोदी जी, अपने साथ लाऊंगा नहीं मैं पुलिस को, मैं अपने साथ इंस्पेक्टर योगी जी और सब इंस्पेक्टर ओवैसी जी को लाया हूँ, समझे? कोई इतनी सख्ती से पैसे मांगता है इसीलिए मैं लाया हूँ इनको अपने साथ। अरे भाई मोदी जी इतनी सख्ती से पैसे मांगते हो किसी से? इंसानियत नाम की भी चीज होती है कोई? क्या तुम्हारे ऊपर किसी का पैसा नहीं आ रहा है? तुमने दे दिया किसी का पैसा, तुम्हारे भी ऊपर किसी ना किसी का पैसा आता होगा। अरे योगी जी आप इतने सिफारसी बन रहे हैं राहुल के, आप आए हमदर्द बन के, तो मेरा पैसा मुझे दिलवा दो, समझे? मजाक की बात है, पूरे 50,000 रुपए मेरे ऊपर किसी का उधार नहीं है। अरे योगी सर जी मुझे याद आ गया, शायद आप भूल गए, 1 साल पहले अमित शाह जी आए थे अपने पास, वो ये शिकायत लेके आए थे कि मोदी जी उनका पैसा नहीं दे रहे, समझे? याद आया आपको? अरे हाँ मुझे याद आ गया, याद आ गया मुझे। अरे मोदी जी अभी तो आप बहुत सफाई दिखा रहे थे कि मेरे ऊपर किसी का उधार नहीं रहता है। पिछले साल तो अमित शाह जी आपके खिलाफ एक शिकायत लेके आए थे कि आप उनका पैसा नहीं दे रहे हो। अरे मैं कहाँ से देता पैसा, ये बताओ कहाँ से देता? अमित शाह जी का पैसा ही तो उठा के मैंने राहुल को दे दिया था 6 साल पहले। अमित शाह जी ने मुझे 50,000 रुपए रखने के लिए दिए थे, वो ही उठा के मैंने इसे दे दिए। इसने कहा परसों वापस कर दूंगा, आज हो रहा है इसका परसों। अरे सोनिया जी, ममता जी, प्रियंका, मायावती जी कहाँ पर एक साथ चल पड़ी ये टमाटर, भिंडी, लाल मिर्च और पापड़ लेकर? मायावती जी तुम्हारे पापड़ देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, कितने रुपए का एक पापड़ बेच रही हूँ? अरे मोदी जी सस्ते रेट में पापड़ बेच रही हूँ, 5 रुपए का एक पापड़ ले लो। मायावती जी ये महंगा लगा रही हूँ पापड़, अगर 2 रुपए का एक पापड़ दो तो अभी खरीद लूंगा मैं तुम्हारे सारे के सारे पापड़। अच्छा सोनिया जी अपने टमाटर का रेट बताना आप। अरे मोदी जी मैं फुटकर टमाटर बेचूंगी नहीं, मैं सीधे मंडी में टमाटर बेचने के लिए जा रही हूँ, लेकिन अगर आप एक आध
क्या करूंगा, 250 ग्राम टमाटर दे दूं। अब 250 ग्राम टमाटर के लिए इतनी भारी टोकरी सर से नहीं उतारूंगी मैं, समझे? एक आध किलो अगर आप टमाटर लेते तो मैं आपको दे देती। अरे ममता दीदी, आपकी भिंडी बहुत अच्छी लग रही है, आप भिंडी क्या रेट बेच रही हैं? अरे मोदी जी एक बात बताओ, आप कुछ लोगे भी? मायावती जी से आपने पापड़ के रेट पूछे और पापड़ नहीं लिया, और सोनिया जी से टमाटर के रेट पूछे टमाटर नहीं लिए, अब मुझसे भिंडी के रेट पूछ रहे हो? क्या भिंडी लोगे मुझसे? बताओ तो रेट बताऊंगी मैं। ये बताओ ममता जी, जब किसी चीज का रेट मुझे पसंद आएगा तभी तो सामान खरीदूंगा। किसी भी सामान को मैं महंगा थोड़ी खरीद लूंगा, मैं भी मंडी जाता रहता हूँ, मुझे हर सब्जी का रेट पता है, समझे? आप भिंडी का रेट बताओ अपने, अगर मुझे भिंडी का रेट पसंद आ गया तो 1 किलो भिंडी ले लूंगा। चलो आपको एक रेट 50 रुपए किलो भिंडी लगेगी, ले लो 1 किलो ले लो आप। यही तो बात है ममता जी, मैं कैसे ले लूं 50 रुपए किलो आपसे भिंडी? मंडी में भिंडी का रेट 20 रुपए किलो है और आप 50 रुपए किलो बता रही हो, मैं किसी भी हाल में नहीं लूंगा तुमसे भिंडी। मोदी जी मुझसे मिर्च का रेट मत पूछना, लाल मिर्च का रेट मैं किसी हाल में भी रेट नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुमने किसी का भी कोई सामान नहीं खरीदा, न मम्मी के टमाटर खरीदे, न ममता दीदी की भिंडी और न मायावती जी के पापड़। तो प्रियंका मैं तुमसे लाल मिर्च का रेट पूछ कर रहा हूँ, लाल मिर्च तो मुझे चाहिए ही नहीं, किसी हाल में भी नहीं चाहिए, लाल मिर्च तो मेरे घर बहुत है। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले बहुत देर हो रही, रोड पर बैठे बैठे शहर जाने वाली बस अभी तक नहीं आई है, मजदूरी के लिए देर हो रही है, नहीं तो आज काम नहीं मिल पाएगा शहर में, खाली हाथ ही लौट कर आना पड़ेगा, जल्द से जल्द बस आ जाए। अरे मोदी जी एक बार शहर पहुँच जाए, शहर जाकर तो काम मिल ही जाएगा, कल तो अपना लंच के टाइम में पहुँचे थे फिर भी 200-200 रुपए की दिहाड़ी करके चले आए थे, यहाँ गाँव में 1 रुपए की मजदूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए शहर जाना पड़ रहा है। भाई जी अगले लंच से तुमने याद दिलाया, आज तुमने लंच टाइम के लिए देसी घी के पराठे रख लिए। अरे राहुल अपनी तरफ चला आ रहा है चना लेकर। मोदी जी मेरा चना जोर गरम ले लो, नींबू डाल के एक प्याली बना देता हूँ, बहुत मजा आएगा खाने में। अरे जाओ राहुल, एक पैसा जेब में नहीं पड़ा है, हम कुछ शहर में मजदूरी करने जाने के लिए बैठे पड़े बस का इंतजार कर रहे हैं, जेब में पैसे होते राहुल तुम्हारा चना जरूर खरीद लेता मैं। हम मोदी जी शहर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हो और जेब में पैसे है नहीं, बड़ा अच्छा बहाना बना रहे हो। ये बताओ जब बस में बैठ के जाओगे तो किराया कहाँ से दोगे जब तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है? अरे मेरे एक प्याली चने खरीद लो, बहाने मत बनाओ। भागे में राहुल, हमारे जेब में पैसे नहीं है, हमारा तो बस पर बैठने का पास बना हुआ है, हम तो रोज मजदूरी करने के लिए शहर जाते हैं इसलिए पास बनवा लिया। अगले बहाने मत बनाओ, तुम तो शहर में मजदूरी करके अच्छा पैसा कमा कर लाते हो, मेरा यहाँ गाँव में ये चना नहीं बिक पा रहा, तुम ही खरीद लो। राहुल क्या जबरदस्ती है, जब हमारे पास पैसे नहीं है तो कहाँ से चना खरीद ली? मोदी जी मेरा चना जोर गरम खरीदना तो पड़ेगा आपको, चाहे उधार लो। राहुल मैं उधार लेके एक पैसे की चीज नहीं खाता हूँ, अपने ऊपर कर्जा नहीं रखता हूँ मैं। मोदी जी सुबह से एक पैसे की बिक्री नहीं हुई है, चना तो लेना पड़ेगा आपको। क्या बात है राहुल, मोदी जी क्या बात है, कैसे कदर मचाए पड़े हो? अरे लालू इंस्पेक्टर जी आप आ गए, अच्छा हुआ। ये देखो राहुल जबरदस्ती मुझे चने देना चाह रहा है, उधार भी मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, जबरदस्ती उधार देना चाह रहा है। लालू जी सुबह से एक पैसे की बिक्री नहीं हुई है, आप ही चना ले लो। चलो राहुल मोदी जी को परेशान मत करो, वो शहर मजदूरी करने जा रहे हैं, हम ही तुमसे चने ले लेते हैं। योगी जी 5 रुपए छुट्टी बने तुम्हारे पास, देना मुझे राहुल से चने ले लें जरा। लालू सर जी जेब में 5 का नोट छुट्टियाँ नहीं पड़ा, 10 रुपए पड़े, 10 रुपए के चने ले लो। राहुल 10 रुपए के चने दे दो और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।